क्या पाकिस्तान एक बार फिर सैनिक शासन के मुहाने पर खड़ा है? क्या नवाज के अपनी कुर्सी से फिसलने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की आर्मी वहां की सत्ता पर काबिज हो सकती है? पनामा पेपर्स लीक मामले में नवाज शरीफ की न सिर्फ किरकिरी हुई है बल्कि वो अपनी कुर्सी भी गंवा चुके हैं। अब ऐसे में पाकिस्तानी फौज क्या एक बार फिर 2001 की तरह वहाँ की सत्ता को ओवरटेक कर सकती है? हालांकि कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ के स्टेप डाउन होने के बाद उनके भाई साहब कुर्सी संभाल सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अनस्टेबल पाकिस्तान में फौज काफी ताकतवर है और ऐसे में वहां कुछ भी हो सकता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह सीमा पर बढ़ रहा तनाव भी है। पाकिस्तान के रिश्ते भारत के साथ काफी तनावपूर्ण हैं और यही हाल चीन के साथ भी है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान चीन का नया पिट्ठू है और रणनीति के तौर पर अपना एक एक कदम चीन से पूछ कर ही उठाता है। ऐसे में पाकिस्तान के रणनीतिक फैसलों में सेना का दखल काफी बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, नवाज शरीफ पर आए ताजा संकट की वजह से पाकिस्तान का शेयर बाजार भी अचानक से जमीन चाटने लगा है। महज 3 मिनट में पाकिस्तान का शेयर बाजार 1100 अंक नीचे गिर गया। सरकार से लेकर फाइनेंशियल हालात तक पाकिस्तान में सब कुछ एक झटके में हिल गया है। ऐसे में मौजूदा संकट की वजह से सेना पाकिस्तान में काफी मजबूत हालत में है और ऐसे में अगर सेना वहां पर नवाज की पार्टी को स्टेप डाउन कर खुद सत्ता पर काबिज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अगले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए काफी महत्वपूर्ण है और वहां अगले 24 घंटों में क्या होता है इस पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें टिकी होंगी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।